बिल्कुल गौरव, राष्ट्रीय महिला सम्मान में मैं आई हूँ यहाँ पे और सबको ईद मुबारक हो। तो आज मेरा लुक आप देख ही रहे हैं कि ईद के समय पर हम तीनों ने ही, मनीषा कुमारी, हाशिमा शर्मा और मैंने, हम लोग ने ऐसा आज गेटअप किया है। और आज महिला सम्मान है और यहाँ पे बहुत सारे मंत्री गण आए हैं और हमारे राज्य मंत्री अठावडे साहब भी बहुत जल्द आने वाले हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं महिलाओं को अवार्ड देने के लिए और ख़ुद अवार्ड लेने के लिए। आप मैम हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करते आई है, आगे भी कुछ ऐसे करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा एक फिल्म अभिनेत्री होने के बावजूद मैं, हाशिमा, हम लोग सब मिलके महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी महिला हिंदुस्तान की तकलीफ़ में है हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, गली गली में, झोपड़पट्टी में जाके, गांव-गांव में जाके जितना हो सके हम करते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस ये है कि एक दलित समाज है मलाड़ से कहीं दूर आगे, वहाँ पे महिलाओं को ओपन में टॉयलेट जाना पड़ता है तो उनके लिए बने नहीं है। तो अभी मैं गुजारिश करूंगी अठावले साहब जी से कि वो उनके लिए टॉयलेट बना, और कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ है उनके बच्चों के लिए। अच्छी स्कूल नहीं है तो उनके बच्चों के लिए हम लोग मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि दलित भाई बहनों के बच्चों के लिए, छोटी कौम के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो, क्योंकि कल उन्हीं में से एक बच्चा, अच्छे कपड़े उनके लिए होने चाहिए। ओके मैम, आज भी देखा जाए तो फिर आज दलितों पर आज नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे ख्याल से हो तो किस पे अत्याचार किस पे नहीं हो रहा है, लेकिन अठावले जी, रामदास अठावले जी हमारे पार्टी के सदस्य हैं, मासूम जी, रामदास अठावले जी, जितना हो सके हम लोग उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक आज वो राज्य मंत्री बने हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं बने, उन्होंने मेहनत करी है, हम लोगों ने मेहनत करी है और आरपीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए सभी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। दलितों के, गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये एकदम कंफर्म हो गया है क्योंकि अठावले साहब सेंटर में मिनिस्टर बने हैं काफी दिनों के बाद और खुद एक दलित लीडर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं संघर्ष करने के। देखिए मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले गरीबों के, तो रामदास अठावले साहब को उन्होंने मंत्री बना दिया तो डेफिनेटली गरीबों के अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, आगे हैं आपके हिसाब से, आपको लगता है? देखिए हमारे, देखिए 2 साल बीत चुके हैं, देर आए दुरुस्त है, लेकिन रामदास अठावले जी राज्य मंत्री बन गए हैं, आगे हैं मोदी के कमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आए हैं कि नहीं आए? मोदी जी का प्रोसीजर चल रहा है, वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बिजनेस ला रहे हैं, वो हर कंट्री में जा रहे हैं, सब प्राइम मिनिस्टरों से मिल रहे हैं। जितना हो सके हमारा हिंदुस्तान जो कर्जे में था उनको कर्जा मुक्त कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छा अच्छा बिजनेस ला रहे हैं और ये हम सभी लोग देख रहे हैं कि वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों को शांति का दूत आप कह दीजिए या आतंकवाद ख़त्म कर देना चाहते हैं मोदी जी और हम पूरी देश की जनता उनके साथ है। मैम देखा जाए तो बिजनेस और ये जो तो ला ही रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर ही रहे, लेकिन महंगाई कंटिन्यू बढ़ी जा रही है, टमाटर भी रिसेंटली 100 रुपीज़ हो गया था, तो फिर मिडिल क्लास जो पब्लिक हो तो सफ़र कर ही रहा है देखा जाए तो, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं क्योंकि आप नॉर्मली मिडिल क्लास पब्लिक से इनके सपोर्ट में रहती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, एनडीए सरकार, मुझे लगता है कि हर चीज़ सस्ती हुई है, गोल्ड चांदी से लेकर, गोल्ड चांदी को आपने सस्ता कर दिया तो पेट्रोल कितना सस्ता हो गया है, तो टमाटर तो आई डोंट थिंक सो, टमाटर और प्याज को तो गिनना भी नहीं चाहिए, तो वो तो सब्जी मार्केट तो बहुत ज़्यादा ही पहले से अभी देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है, बिल्कुल बहुत सस्ता है। मैं तो बोलती हूँ लोगों को टमाटर ला के उनकी चटनी बना के खाना चाहिए, प्याज और टमाटर की, वो भी दबा के खाना चाहिए क्योंकि सब कुछ सस्ता है। अभी तो फिलहाल हम लोग अवार्ड ले लें। थैंक यू।